आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और आज मैं बात करना चाहता हूँ आपसे रिसर्च बेस्ड स्टडी ऑन हैप्पीनेस। मतलब ऑथेंटिक जानकारी, कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा आज। हैप्पीनेस क्या है, एक सच्ची खुशी कब मिलती है और इसके बारे में जो डिफिनीशन है वो क्या कहती है। शुरुआत ऐसे होती है कि सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ हैप्पी यू आर, आप कितना खुश हैं। इस बात का जवाब मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। रिसर्च हुई और रिसर्च में ये देखा गया कि जब ये पूछा जाता था कि हाउ हैप्पी यू आर, और उसके पहले ये बोल दिया जाता कि आज का वेदर कैसा है, तो वेदर सनी है, फिर पूछा जाता कि आप खुश कितने हैं, तो उस खुशी के आंसर में पहले वाले क्वेश्चन का मैनिपुलेशन होता था। मतलब खुशी उस पर डिपेंड करती है, आपका जो जवाब है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है। उसी प्रकार हमारे रियल लाइफ में जब हम किसी भी चीज को खुश होते हैं, सोचते हैं कि ये चीज मिल गई तो खुश है, तो एक्चुअली वो खुशी जो है वो किसी चीज के मिलने से आउटर सर्कमस्टेंस पे बेस कर रही है। ठीक, तो हैप्पीनेस को जो डिफिनेशन है वो हम ये बोल सकते हैं कि अ सिग्नल दैट अवर नीड्स हैव बीन सेटिस्फाइड। खुश हो गए, एक छोटा सा बच्चे को चॉकलेट मिल गई तो वो खुश हो गया, हंसने लगा या फिर हल्ला नहीं करता, तो हमने माना ये खुश है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिजायर थी वो सेटिस्फाई हो गई। एक बंदे को कॉलेज मिलना था, अच्छा कॉलेज मिल गया, IIT का मिल गया, वो खुश है। मतलब उसकी जो डिजायर है वो सेटिस्फाई हो गई। नीट की तैयारी कर रही थी बिटिया, उसका वहां हो गया, डिजायर सेटिस्फाई, मतलब खुश है। लेकिन ये बहुत दिन चलता नहीं है। एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि हैप्पीनेस इज नॉट एज मच सेंसिटिव एज व्हाट हैपेंस टू अस। मतलब हमारे साथ क्या होता है इससे बहुत प्रभावित नहीं होती। कैसे, आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, मैं आपसे सवाल अगर पूछूं, व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन विथ यू, आपके साथ सबसे बुरी चीज कौन सी हो सकती है, और दूसरा सवाल, वो जो बुरी चीज हो जाएगी उससे आपकी खुशी पर कितना प्रभाव पड़ेगा। दूसरा सवाल ये है, अगले सवाल, कि सबसे अच्छी चीज कौन सी हो सकती है और वो अच्छी चीज होने पर आपकी खुशी पर कितना प्रभाव पड़ेगा। खुशी हो सकती है कॉलेज में एडमिशन मिलना, जॉब मिलना, शादी होना, फलाना ठिकाना, आप कितना खुश हो जाएंगे, और वो चीज ना मिली तो आप कितना दुखी हो जाएंगे। क्या इस पे डिपेंड करता है? नो, इस पे डिपेंड नहीं करता। एक साल या 6 महीने बाद आपकी जो खुशी है वो उस पे खत्म हो जाती है, उस चीज को आप यूज हो जाते हैं, यू विल बी यूज्ड टू इट एंड इट विल लूज इट्स वैल्यू, आपकी नजरों में उसकी कोई महत्व नहीं रह जाएगी। बुरी चीज ये हो सकती है कि आपको लकवा मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन 6 महीने बाद आप फिर उसी हिसाब से आप जीने लगते हैं, आप फिर उसमें बहुत रोते नहीं है, आप उसके लिए यूज हो जाते हैं। ऐसे खुशी के साथ है, हम जब खुश हुए, कोई अच्छा व्यक्ति हमें साथ मिल गया या अच्छी जगह मिल गई, जॉब मिल गई, तो हम खुश हैं, लेकिन वो खुशी बहुत दिन नहीं टिकती, कुछ दिनों बाद फिर हम उसके यूज हो जाते हैं। क्लियर? तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक्चुअली हमें इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, बल्कि हैप्पीनेस इस बात पे बहुत प्रभावित कर, हैप्पीनेस इस बात पे बहुत डिपेंड करती है कि हाउ यू लुक एट व्हाट मैटर्स टू यू। आप कोई भी चीज को देखते कैसे हो, आपका जो नजरिया है वो बड़ा डिपेंड करता है कि आप कितने खुश रहेंगे। हिडोनिक ट्रेडमिल एक टर्म है, इसका मतलब हिडोनिक मतलब ही हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक ट्रेडमिल है जिसमें आप दौड़ते जाएंगे लेकिन आप पहुंचते कहीं नहीं है। तो इससे निकलने का क्या तरीका है? पहला तरीका जो एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि या तो आप नई चीजें करो, आप अपने जो आपका साथी है उसको आप चेंज कर दो, अगले हफ्ते आप माउंट एवरेस्ट चढ़ो, फिर आप इकोनॉमिक पढ़ो, फिर CA बनो, फिर नीट पढ़ो, फिर फलाना ठिकाना, मतलब आप चेंज करते रहो तो आप बोर नहीं होगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर दूसरा क्या कि स्टेप आउट ऑफ द ट्रेडमिल, मतलब कि जब आप उसी में दौड़ रहे हो, कहीं नहीं पहुंच रहे हो, तो आप उससे उतर जाओ और आप अपने आप को शांत रखो, आप अपने आप को ऑब्जर्व करो चारों तरफ के जो लोग हैं या इन्वायरमेंट है उनको, हैप्पीनेस को तब समझ पाओगे आप। हैप्पीनेस इज रिलेटिव टर्म, जी हाँ, इसको याद रखिए, हैप्पीनेस इज रिलेटिव टर्म, मतलब कि ये रिलेटिव सर्कमस्टेंस है। एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोला कि खुशी इस बात में है कि आपका जो इनकम है
वो आपकी पत्नी के बहन के पति से, जैसे हम लोग इसमें बोलेंगे साड़ू भाई, साड़ू भाई, तो साड़ू भाई से आपकी जो इनकम है अगर ज्यादा है तो आप खुश रहेंगे। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें ये बोला गया कि हमें ये बताइए कि अगर हम आपको 60,000 रुपए दें और आपके कलीग जो है वो 55,000 पे रहे, तो आप 60,000 लेना चाहेंगे, या फिर आपको हम 65,000 दें और आपके कलीग 70,000 रहे उनका, तो आप कौन सा पेमेंट लेना चाहेंगे? मैं बता दूं, 90-95% लोगों ने यही जवाब दिया कि मेरे को 60,000 ही चाहिए ताकि लोगों से ज्यादा मेरा इनकम रहे, मैं ये बोल सकूं मेरा ज्यादा पैसा है, मेरी ज्यादा इनकम है। यही होता है, मतलब कि हैप्पीनेस इज रिलेटिव टर्म। हम चारों तरफ जो सर्कमस्टेंस है, जो रिलेटिव्स हैं, उसके हिसाब से अपनी जो हैप्पीनेस है उसको तौलते हैं और उसी के हिसाब से हम खुश होते हैं। तो आई थिंक आप शिफ्ट करते हैं जब अगर सोशल स्टेटस में या रिलेशनशिप में, तो उन सब जगह हैप्पीनेस प्रभावित होती है ना, और आपका जो व्यक्तित्व है, आपका एटीट्यूड है, वो हैप्पीनेस पे प्रभाव डालता है अपना। तो मुझे लगता है कि हैप्पीनेस जो साइकोलॉजी का, पॉजिटिव साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं ऑथेंटिक हैप्पीनेस बुक या फिर हैप्पीनेस बाय नेटल, ये सब बुक आप पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, वरना ऐसे वीडियो मिस हो जाएंगे। आपका हर बार आके हमारे चैनल को देखना बहुत बहुत